अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो बड़ी फरमाइश थी इतने दिनों से आ रही थी कि अम्मी कौन सा ओवन यूज़ करती हैं, तो आप बताएं इसके प्राइस क्या हैं और ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो मुझे तो इतनी मालूमात नहीं, तो मैं इसलिए मैं अम्मी से पूछूंगा। अम्मी, वो ओवन की फरमाइश आ रही थी, तो वो ओवन के बारे में दरअसल प्राइस वगैरह और जो भी इसको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो बताएं। तो ये ओवन है हमारा, वेस्ट पॉइंट का वन है और इसको हमने नहीं, दराज से नहीं, हाँ किसी सब्सक्राइबर्स ने बताया था इंस्टाग्राम पे कि कौन वो, सी वेबसाइट से? हाँ पता नहीं वो कौन सी वेबसाइट थी, मगर वो बस ऑनलाइन मंगवाया था तब पता है, बाकी हाँ। हाँ तो ये वेस्ट पॉइंट का है ओवन और ये हमने मंगाया था 14,000 का। 14,000 हाँ शायद, 14,500। फाइव हंड्रेड। और इसके साथ है ना कटर आया था, वो कटर भी मैं आपको दिखाती हूँ। कटर आया था उसके साथ, तो पहले मैं आपको कटर दिखाती हूँ। हाँ इसके साथ गिफ्ट भी आया था, पता नहीं रमजान डील लगी हुई थी शायद। तो ये था वो कटर जो अम्मी यूज़ करती हैं अपनी रेसिपी में, और आप लोग पूछते हैं कहाँ से लिया, कितने का लिया, तो ये ओवन के साथ ही आया था, है ना, हाँ। और ये डील थी। इसका बॉक्स बना हुआ है और इसके और अंदर है ना, ये भी वेस्ट पॉइंट का ही है ना। ये भी वेस्ट पॉइंट का, वेस्ट पॉइंट हाँ का। और इसके अंदर डिफरेंट जो है कटर लगे हुए हैं। ये क्वालिटी कैसी है इसकी? क्वालिटी अच्छी है, मैं तो अभी यही यूज़ कर रही हूँ बस। इसको जो है कोई भी आप चीज़ लगा के, जैसे प्याज या खीरा, तो मगर एहतियात से करना पड़ता है, क्योंकि जब बड़ा हो तो आप हाथ से कर लें, अगर इतना रह जाए ना जैसे आधे से भी कम, तो आप तो ये यूज़ फोर्टीन करें। थाउजेंड फाइव हंड्रेड के अंदर ये हाँ ये ओवन आया और था, ये कटर इसके साथ आया था। हाँ। इसमें सिंगल ब्लेड लगी हुई है और इसमें लगी हुई है डबल ब्लेड। ये बिल्कुल बारीक जो है इसके अंदर, ये देखो दांत दांत से बने हुए, बहुत खतरनाक कटर है ये, बच्चों से जब इसके बहुत साथ ही प्यार। दिया हुआ शायद हाँ ये ऐसे और हाथ में, है ना। ये जो है ना, इसके अंदर ये छोटे छोटे से दांत नजर आ रहा है, मगरमच्छ के दांत ये बने हुए हैं। तो इसको भी इसी तरह से प्रेस करके और इस तरह क्रश करना पड़ता है। और ये दिया है इन्होंने ये गाजर का प्लास्टिक क्या का है ये ये? छोटे और बड़े, जैसे मतलब आलू वगैरह या गाजर वगैरह कुछ भी क्रश करनी हो, ये गोलाई में इसमें कटर नहीं है, तो नीचे लाइट झजबे हो रही है। लाइट का काम हो रहा है। तो ये कटर का जैसे ये सेट तो यहाँ पे क्या क्या ओवन के साथ चीज़ आई है अम्मी वो दिखा दो। इनका जो है, ये शीशे का ये ग्लास लगा हुआ है और इसके ओवन का जो भी सामान है मैं इसी में रखती हूँ। ये ओवन की ट्रे, तो सारा सामान मैं इसी के अंदर रखती हूँ ताकि इधर उधर सामान ना हो, क्योंकि मैं चीज़ें रख के अक्सर भूल जाती हूँ। और इसके साथ जो हम जो ग्लव्स है ना, ये मैं इसी के साथ रखती हूँ। और इसके साथ में आपको सबसे पहले बताती हूँ, इसकी जो ट्रे है ना, मेन जो है इसकी ट्रे है, तो ये ज्यादा ये इस्तेमाल में आती है। ज़्यादा सभी चीज़ें इस्तेमाल, हाँ ज़्यादातर जो से यही इस्तेमाल में आती है, बेक करना हो कुछ करना हो। और ये जो ट्रे ये नीचे जो लगे हुए हैं ना स्टेप बाय स्टेप इस तरह के, अगर आपको नीचे नीचे की कम हीट देनी है तो आप इसको नीचे वाले खाने में लगाएं ताकि ऊपर की अच्छी सी हीट आ जाए इस तरह से। और अगर ज़्यादा आपको देनी है तो इधर ऐसे लगा दें, और अगर दोनों साइड की देनी है तो आप बीच में लगाएं ताकि दोनों साइड की नीचे से भी ऊपर से भी अच्छे से हीट आ जाए। दो राडे इसमें नीचे हैं, दो राडे इसमें ऊपर लगी हुई हैं। अच्छा ये बटन किस चीज़ के हैं? बटन और ये जो बटन है ये है हमारा टाइमर शायद, टाइम, नहीं टाइमर नहीं नहीं टाइमर है नहीं ये, हाँ टाइमर जो टाइमर नहीं 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 है, ये वो है टाइमर ये सबसे बटन ऊपर वाला वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का है ये, और ये है टाइमर का, ये टेम्परेचर है, हमें कितना टेम्परेचर हमें रखना है। जैसे ये है हमारा 100 से लेकर टू और फिफ्टी 250 तक है, तो मैं ज़्यादातर जो हमें प्रीहीट करना होता है मैं 200 पे प्रीहीट करके, और जो हमें टेम्परेचर रखना होता है 180, 150 या 160, जितना भी करना है तो अपने अपने अंदाजे से इस तरह से बटन से कर सकते हैं। तो ये डिजिटल नहीं है, ये है हमारा मैनुअल। और ये है दो राडों का यानी ऊपर और जो, नीचे की, है ना, जो कौन सी खोलनी है कौन सी बंद करनी है। नहीं, राड का नहीं है ये, उसका है जो राड चलती है ना, ये राड का जो है ना, ये ऑफ लिखा हुआ है ना अभी। अब इसको हम इधर करेंगे ना, तो ये अंदर जो हम ये राड लगाएंगे ना, ये जो राड है, ये हम कोई भी टिक्का लगाते हैं, बनाते हैं, बोटी बनाते हैं, मगर तो इसके ये, अंदर ये लगेंगे, इसके अंदर ये लग के फिर हाँ चरखा फिट होगा। हाँ तो तो जब भी चरखा बनाना है ना, तो इसके अंदर ये जो राड है ना, इसमें ये नट लग के फिर इसके अंदर लॉक आराम लगते हैं। से ये लॉक हो जाता है और फिर इसके अंदर चरखा फिट हो जाता है। तो अभी जब चरखा अम्मी बनाएंगी कभी, तो अम्मी दिखाएंगी कि किस तरीके से बनाते हैं अभी। हाँ। और ये जो
और ये हाँ ये जो इसकी ट्रे आई है ना, ये भी अम्मी किसी व्लॉग में अपने साथ शेयर करेंगी तो जरूर दिखाएंगी इसको किस तरीके से यूज करते हैं। इसमें हम काफी सारी चीजें बना सकते हैं क्योंकि ये इसके अंदर ज्यादा चीजें अगर आपको एक साथ बनानी है तो इसके साथ ये राडे आई है तो इसको किस तरीके से यूज करते हैं अम्मी आपको जरूर दिखाएंगे। बने हुए ना इसमें ये राडे फिक्स होती है और लाग भी इसके अंदर दिए हुए, तो ये बड़े काम की चीज है। तो इसमें हम एक साथ चरखा बोटियां और टिक्के वगैरह सब कुछ। और ये क्या है अम्मी? ये जो जब ये गर्म हो जाएगा ना, जब टिक्के बन जाएंगे तो इसको हम राड में इस तरह से फिक्स करके हम इस तरह निकाल ये जो निकालेंगे ऐसे करके ये, ताकि गर्म जो होगी ना ये अंदर जो होगी ये निकालने के लिए यानी है ना, ये निकालने के लिए अंदर ये फिक्स होगी यानी इसे जो निकालने के काम आएगा ये निकालने हाँ, के काम आएगा। अगर हम कोई केक वगैरह बनाते हैं तो केक हम रखते हैं इसके ऊपर, केक बॉल मोल इसमें रखते हैं और नीचे हम ये ट्रे जरूर लगाएंगे क्योंकि अक्सर जो केक होता है ना वो उसका टपकने लग जाता है इसका बैटर, तो ये जरूर लगाएंगे नहीं तो ओवन और राड के ऊपर गिर जाता है और फिर जम जाता है वो, तो ये जरूर लगाएं। और एक और बात, ये सिर्फ खाना पकाने के लिए गर्म करने के लिए नहीं है। हाँ ये गर्म करने के काम नहीं आता, गर्म करने के लिए माइक्रोवेव होता है, ये माइक्रोवेव नहीं है क्योंकि कुछ लोग यानी माइक्रोवेव में खाना बना पका लेते हैं फिर बोलते हैं हमारा खाना सही नहीं बना। किसी कमेंट भी आई थी चिकन ब्रेड बनाई थी उन्होंने माइक्रोवेव में तो बोली थी खराब हो गई, दरअसल माइक्रोवेव में तो सिर्फ खाने गर्म होते हैं के लिए आपको बेकिंग ओवन लेना पड़ेगा खाना बनाने के लिए। ये इस तरह का आया केचर जैसे चिमटा कहते हैं हम, तो ये आया जैसे इसको रात को, मगर ये इसके साथ नहीं है धो के रखा है तो इसको हम इस तरह निकाल सकते हैं ऐसे, ये वो भी इसी यही काम आता ये है, इसके साथ आया ओवन के साथ आया तो इस तरह निकाल सकते ताकि गर्म हो। अच्छा वो सब्सक्राइबर का उनका नाम क्या था, कौन से सब्सक्राइबर जिन्होंने बताया था ना कि आप यहाँ से मंगा ले, एक वो घसाला नाम की सब्सक्राइबर है उन्होंने बड़ी कमेंट करी थी इसके ऊपर के अवन के ऊपर वीडियो बनाए। हाँ तो अभी मैंने बता दिया, इंशाल्लाह आपको जरूर गाइडनेस मिली होगी कि ये मैनुअल है, बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है, ये है हमारा टेम। और ये अवन के साथ ही हमने दूसरी जगह से ये एयर फ्रायर भी मंगवाया था, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, इसकी जो मैं ब्रेड रोल भी मैंने बना के दिखाए थे ये बहुत अच्छे इसके अंदर ब्रेड रोल बनते हैं। हाँ ब्रेड रोल चिप्स हाँ। और आप टिक्का भी बना सकते हैं, लेकिन अभी तक जो एक्सपेरिमेंट रहा है वो ब्रेड रोल तो बहुत अच्छे बने, बाकी और चीज़ें बनाएंगे तो दिखाएंगे जरूर, बाकी एयर फ्राई अच्छा हाँ। है चिकन भी बना सकते हैं, हर चीज़ की मतलब लिखा हुआ है कि कितने देर हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पहली बार ट्राई करा और बहुत अच्छा है। जो ऑयल कम खाते हैं बल्कि खाते नहीं है तो उनके लिए बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा बेक हो जाता है और जलता भी नहीं है सबसे बड़ी बात है, वरना बगैर आयल के जलना शुरू हो जाती है चीज़, तो इसमें बहुत अच्छे बैग होता है और एयर फ्राई नाम है इसका, हवा में फ्राई होता है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़। तो मुझे उम्मीद है कि कुछ गाइडनेस मिली होगी, जो आप मुझे जितना आया मैंने उतना जितना मुझे मालूम था उतना मैंने आपको बता दिया, तो आप लोग अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, फिर मिलेंगे हम लोग, अल्लाह हाफिज़।